अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल जी स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर थर्टीन से है मसल्स एंड मूवमेंट में आज हमने जो है जो पॉइंट्स uh, पढ़ने हैं जो हमने डिफिनीशन्स पढ़नी है नंबर वन इज़ द औरिजन ठीक है नंबर टू इज़ द इंसर्शन पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं अब देखिए मसल्स और मूवमेंट ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं अब देखिए जो हमारा स्केलेटन है स्केलेटन के साथ स्केलेटन के ऊपर जो है कुछ हमारे मसल्स अटैच होते हैं फ्लैश अटैच होता है तो वो बेसिकली क्या करते हैं मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं विदाउट मसल्स वी कैन नॉट मूव ठीक है हम जो है अपने आ, इवन ये जो मैं अपने हाथ अगर हिला रही हूँ इस वक्त मूव कर सकती हूँ तो ये मसल्स की वजह से ही है मसल्स स्केलेटन दोनों के कोऑर्डिनेशन के नतीजे में मूवमेंट जो है रिजल्ट होता है तो स्केलेटल मसल्स जो है वो मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं या हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं ऑरिजन क्या है देखिए अगर कोई भी हमारी बोन है हमारी बॉडी की ठीक है ये बोन है अगर तो इस बोन के ऊपर क्या है ये मसल अटैच है मसल का वो हिस्सा जो कि मूव नहीं कर सकता

एंटागोनिज्म के बारे में बताया गया ठीक है क्या है गोनिज्म के बारे में बताया एंटागोनिज्म एंटागोनिस्ट से निकला है एंटागोनिस्ट क्या होता है ऑपोजिट किसी भी चीज का ऑपोजिट वर्क करना जो है वो कहलाता है कि एंटागोनिस्टिकली जो है वर्क किया गया है ऑपोजिट ठीक है ऑपोजिट वर्किंग जो है वो एंटागोनिज्म एंटागोनिस्ट कहलाता है अब हमारे जो ये मैंने कहा कि जो बोन है इस बोन के साथ जो मसल्स अटैच है दे ऑलवेज अटैच इन द पेयर फॉर्म ठीक है एक मसल ऊपर है एक नीचे है तो ये जो मसल्स हैं क्या होता है कि एक मसल जो है ऊपर वाला मसल अगर रिलैक्स करता है ठीक है ये ढीला हुआ रिलैक्स किया तो नीचे वाला जो है वो क्या हो जाएगा टाइट हो जाएगा मैं यहाँ आप पे आपको दो डायग्राम्स बना के बताती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन कर लें कि ये जो है आपके बाजू की हड्डियाँ ठीक है इस तरह से ये कलाई आ गई तो ये ऊपर वाला जो है ये अगर अ क्या होता है ये वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाला क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा ठीक है और अगर हम कहें कि ऊपर वाला जो है वो क्या हुआ है वो रिलैक्स हुआ है तो नीचे वाला जो है वो क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो ऑपोजिट फंक्शनिंग है मसल पेयर की दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारी बुक में दी गई है वो है बाइसेप मसल्स और ट्राइसेप मसल्स जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी है ये बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स की ही है जो ऊपर वाले मसल्स होते हैं हमारे हमारे बाजू के ऊपर वाले मसल्स ठीक है ये कहलाते हैं बाइसेप मसल्स और जो नीचे वाले हैं ये कहलाते हैं ट्राइसेप मसल्स ठीक है तो बाइसेप मसल जब कॉन्ट ये वाला हाँ ये वाला बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट किया छोटा हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा ट्राइसअप इस तरह से जब बाइसअप मसल जो है वो क्या होगा रिलैक्स होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये जो ऑपोजिट वर्किंग है मसल पेयर की दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म अब इसी के साथ हमारे पास दो और डेफिनेशन है दैट इज फ्लेक्सन इसी से रिलेटेड है फ्लेक्सन और दूसरी है एक्सटेंशन एक्सटेंसर और वो उसकी रिलेटेड है एक्सटेंशन अब इन दोनों में क्या है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ये वाले जो मसल्स हैं कि देखे वो मसल जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से वो मसल जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से जो जॉइंट है ये हमारा आप कह लें एल्बो जॉइंट है जॉइंट जो है वो क्या हो जाए बेंड हो जाए ठीक है आप लोग अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं ये देखिए ये हमारी हड्डी आ रही ना ऊपर जो शोल्डर के साथ अटैच है और ये हमारी एल्बो और ये नीचे वाला बाजू तो क्या होता है ये जो मसल है ये मसल के साथ यहाँ पे अटैच होता है टेंडन मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ये टेंडन को अपनी तरफ खींचता है टेंडन जब जब ऊपर को जाता है तो ये जो नीचे हड्डी के साथ अटैच है ये हड्डी ऊपर को जाती है तो बदले में क्या होता है बाजू आपका स्ट्रेट पड़ा हुआ था तो बेंड हो जाता ठीक है तो ये चीज़ क्या है ये इससे हम क्या कहते हैं कि वो मसल जिसके कॉन्ट्रैक्ट होने से जॉइंट बेंड हो जाए वो मसल कहला, कहलाता है फ्लैक्सर और इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लैक्सन बिल्कुल ऐसे ही जो है क्या है कि वो मसल जिसके कॉन्ट्रैक्ट होने से अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसने क्या किया अपने साथ लगे हुए टेंडन को ऊपर खींचा टेंडन अटैच था इस बोन के साथ उसने उस बोन को अपनी तरफ इस तरफ खींचा तो वो क्या हो गया जॉइंट ऐसा था तो है वो इस कंडीशन में चेंज हो गया ये वाला मसल जिसके कॉन्ट्रैक्ट होने से मसल जो जॉइंट है वो रिलैक्स हो जॉइंट जो है वो सीधा हो जाए स्ट्रेट हो जाए वो मसल खिलाता है एक्सटेंसर मसल और इस मूवमेंट को कहते हैं एक्सटेंशन बेसिकली ये फिनोमिना है कि जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है मूवमेंट होती है हमारी बॉडी पार्ट्स की इवन जो है ये फिंगर अभी मैं कर रही हूँ टर्न तो इट मीन्स क्या है कि जो ऊपर वाले मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मसल क्या होता है ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो इसके साथ लगा हुआ टेंडन हड्डी के साथ अटैच है, है वो क्या करता है उसे मूव करता है ऊपर की तरफ तो ये बैंडिंग हो जाती है ये बैंडिंग हो रही है अब ये वाला मसल क्या है इस वक्त रिलैक्स फॉर्म में ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये मसल ये देखेगा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना जैसे ये मसल तो क्या करेगा वो जो जॉइंट है ये वाले जो जॉइंट है इन्हें स्ट्रेट कर देगा तो ये इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि ये वाले मसल जो है एक्सटेंशन का, का काम करें और ये वाले जो है वो फ्लैक्सर का, का काम करें फ्लैक्स फ्लैक्सन मूवमेंट शो करें ठीक है इस हिसाब से आप अपने जो हमारी लेग के मसल्स हैं उन्हें भी आप कर सकते हो देख सकते हो कि कौन सा वाला जो है वो कैसे मूवमेंट शो करता है ऊपर वाला मसल फ्लैक्सर है या नीचे वाला मसल जो है हमारे थाए का वो एक्सटेंसर है फ्लैक्सर है फाइंड आउट कर सकते हो तो बेटा जी आ, ये हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो ये हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है चैप्टर नंबर थर्टीन हमारा कंप्लीट होता है इनशाला नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर फोटीन आई थिंक दैट वन इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन सो हम स्टार्ट करेंगे इनशाला नेक्स्ट वीडियो में अफिज